बैठे अबे वहाँ बैठे सामने क्या ले आइए और सामान लेकर आना दुकान पे. हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग. जो सीट है लाइक डबल बेड, ये यशराज बिचारी की सीट आ गई है और यहाँ बैठे हैं गर्ग और खंडू. अभी ठंडे पानी और चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, बिस्किट, फ्रूट केक, खाने पीने वाला चीज लेने वाले. बस तो वैसे कंफर्टेबल है, अच्छी है, लाइक जितनी हमने एक्सपेक्ट करी थी उससे अबव एक्सपेक्टेशन है. तो बहुत लोग आएंगे तो वही बस अभी चलेंगे थोड़ी देर में. 11 बजे का इसका स्टार्ट टाइम है एंड अभी 10:55 हो रहा है. सफर में मिलते हैं. अभी हम पता नहीं कहाँ पहुंचे हैं और अभी एक और दोस्त से बात कर रहे हैं जिसको आपने देख ही रखा होगा. कौन सुअर ने गाए थे वैसे. हाँ दिख रही है इसको इसी इसमें. अरे हाय गाइस, तो अभी बज रहे हैं रात के 2 एंड सुरेश सो गया है साथ में. अभी गर्ग लेट है, यश भी सो गया एंड यश राज है हमारे सामने वाली कैबिन में. तो अभी मैं भी सोने जा रहा हूँ. आई डोंट नो कितनी आवाज़ आ रही है कितनी नहीं, बट हम कल सुबह मिलेंगे सीधा अमृतसर में. गुड नाइट एवरीवन, टेक केयर. गुड मॉर्निंग एवरीवन फ्रॉम अमृतसर एंड हम अभी बज रहे सुबह के 8:30 अभी सुबह के 8:00 बज रहे हैं एंड हम अभी 8 बजे अमृतसर पहुंच गए थे. तो अभी हमने लिया एक ऑटो एंड अब जा रहे हैं हम अपने हॉस्टल. तो अभी हम जा रहे हैं अपने हॉस्टल. हॉस्टल का टूर दूंगा अंदर जाके. अभी मस्त गलियों अब पहुंच गए. मेरा बैकपैकर्स कौन सा गेट है भाई? मैं सब सुपर वाला गेट है. अरे है कौन सा? अरे तो खाली कौन सा है? हेलो गाइस, सो वेलकम बैक. अभी हम फटाफट सारे रेडी हो गए हैं कि हम मस्त मस्त दिख रहे हैं और अभी हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने. अभी देखियो देख देख साढ़े चार चार आगे मत 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 अबे राइट से आना ना राउंड अबाउट. अभी टाइम हो रहा है 11 बज रहे हैं.
ਕੋਈ ਨੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਲਿਆਣਾ ਆਪਾਂ ਪਰਸੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗੋ ਭਾਈ ਦੋ ਬਟਰ ਵਾਲੇ ਉਠਾ ਲਓ ਦੇ ਦੇ हाय गाइस, सो अभी हम है वाघा बॉर्डर पे एंड सोता हुआ आया हूँ मैं थोड़े रास्ते क्योंकि काफ़ी नींद आ रही थी। एक्चुअली हम कल रात से 9 बजे से सोए नहीं है ना ढंग से,
बस में भी ढंग से सो तो पाए नहीं थे क्योंकि वही पैर पूरे फैलाने की जगह तो नहीं थी इतनी, बट थोड़ी बहुत नींद आ रही थी बस में, तो थोड़ा बहुत सो रहे थे ऐसे ही एक दो घंटे, एक 45 मिनट समथिंग नींद आई थी। और अभी रास्ते में भी मैं सो ही गया था, रास्ते का शॉर्ट्स तो मेरे दोस्तों ने लिया है थोड़ा बहुत, बाकी अभी वाघा बॉर्डर आए, इंडियन फ्लैग बनवाया, एंड इससे पहले कुलचे खाए थे सुबह, कुलचे बहुत अच्छे थे। बाकी अभी हम अंदर जा रहे हैं, एक इंडियन फ्लैग मैंने बनवाया, दो सुरेश ने बनवाया इंडियन फ्लैग, और एक एक इसने बनवाया यस हैंडल, दो बनवाया तुमने, हाँ नाइस। बाकी अंदर चलते हैं, सेरेमनी देखते हैं, एंड फिर रात को मिलेंगे डिनर पे। गर्मी है यार, जब अमृतसर से चले थे तब बादल हो रखे थे, हमें लगा बढ़िया मौसम होगा, कैप ही नहीं लेके आया उस चक्कर में, कैप मेरी हॉस्टल में पड़ी है, इतनी धूप लग रही है पूछो मत। शाही किला वेलकम हरी बॉर्डर, अभी खड़े हैं सिक्योरिटी चेक में, मास्क लगाए सिक्योरिटी चेक की लाइन है लंबी, भाई कितने लोग देखने आए हैं, वो देख रहा हूँ कि हर एज ग्रुप का है, जैसे हमारे आगे बच्चा खड़ा है, और बच्चे भाई यहाँ पे ओल्ड एज है, मतलब हर एक एज ग्रुप का है, हर जगह खड़ा हो जाएगा वही हर जगह, ये है हम हर जगह खड़ा हुई है भाई, जगह ढूंढने के बाद फिर दिखाएंगे नजारा आपको, बहुत भीड़ है, सीट इतनी गर्म है तशरीफ जल गई मेरी बैठी बैठी, पूरा पाकिस्तान, एंड आई डोंट नो वहाँ पे भी लोग बैठे हुए हैं बस वॉचिंग दे सेरेमनी। खैर अभी तो 5 बजे है, सेरेमनी आएगी सर अराउंड 6 स्टार्ट होती है, अभी तो VIP एंट्री चल रही है सब, तो बढ़िया लग रहा है वो भी देखिए, लोग इधर उधर भागे हैं, किसी को सीट नहीं मिल रही, किसी को अपने बंदे नहीं मिल रहे, फन
कैसा लगा दोस्तों? अरे भाई भाई बहुत मजा आया वीडियो में देखने में और लाइव देखने में बहुत मजेदार मस्ट विजिट काफी मजेदार था लाइक मैं एक्सप्लेन क्या ही करूं कल इंडिया पाकिस्तान का मैच भी तो है इंडिया पाकिस्तान का मैच थोड़ी कल किससे हो गया अरे क्या बात अच्छा अभी हम आए हैं एक रेस्टोरेंट पे जिसका नाम है दावत रेस्टोरेंट जो सुल्तानगंज गेट है सुल्तानगंज गेट है ना शायद पता नहीं मतलब गोल्डन टेम्पल के पास ही एक रेस्टोरेंट है वहाँ पड़ता है एक्चुअली बीटी ये हो गई कि हम दो आ रहे थे केसर दा ढाबा एंड केसर दा ढाबा हुआ था बंद मतलब आई डोंट नो क्या सीन था वहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही थी जो भी था बट वो एफ हो गया एंड हम कल भी नहीं खा पाएंगे यहाँ पे हमने काफ़ी सुना था वो कि वो बहुत फेमस है तो हमने ऐसे थोड़ा सा सर्च वगैरह किया एंड फिर हम आए हैं दावत रेस्टोरेंट पे और मेरा अनफॉर्चुनेटली मेरे फ़ोन की बैटरी पूरी ख़त्म हो गई है मेरा फ़ोन भी बंद हो चुका है अब खाना ऑर्डर किया है भूख में तड़प रखे हैं बहुत बाकी खाना वाना खा के मिलता हूँ अभी हम आए हैं गोल्डन टेंपल पे अभी रात के 12 बज रहे हैं तो गोल्डन टेंपल हम जा रहे हैं अभी हम गोल्डन टेंपल से पहले जो मार्केट है उसमें है एंड आपको पीछे दिख रही होगी अलग ही दुनिया है भाई यहाँ अलग ही चमक रहा है ये पूरा बाकी मैं गोल्डन टेंपल पहुँच के दिखाता हूँ बैटरी भी लो है तो मेरे को उसके लिए बैटरी बचानी है हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू गोल्डन टेंपल एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरु प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक हो से भी सच सोचे सोच न होवई जे सोची लखवार चुपै चुप न होवई जे लाए रहा लवतार भुखिया भुख न उतरी
गाइस अभी हमें गोल्डन टेम्पल पे जिसको श्री हरमंदिर साहिब भी जाना जाता है एंड यहाँ की वाइब तो एक्चुअली बहुत बहुत पीसफुल वाइब है एंड ताकि एनर्जी आपको ऐसी इतनी बढ़िया एनर्जी लगेगी ना आपको कि आप पूरे दिन की थकान भूल जाओगे तो खुद बोलने का यहाँ पर ज़्यादा मन नहीं कर रहा आप इसी डेफिनेटली तो हमें खुद आओ खुद एक्सपीरियंस करो यहाँ की वाइब मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है एक्चुअली पूरे दिन की बहुत थकी हुई थी यहाँ के मस्त बैठे एक घंटा बहुत अच्छा लग रहा है बाकी मैं ज़्यादा और